उदयपुर बाल पुस्तक महोत्सव का आयोजन समझ के साथ पढ़ना अभियान के तहत किया आयोजन पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। इस अभियान की शुरुआत एक महीने तक चलने वाले 3 जनवरी से 31 जनवरी 2024 उदयपुर बाल पुस्तक महोत्सव के साथ की जा रही है। विद्या भवन यह आयोजन एकलव्य एसटी पारेख फाउंडेशन, सेंटर फॉर स्ट्रेल माइक्रो फाइनेंस, रमा मेहता ट्रस्ट और लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ मिलकर कर रहा है। उद्देश्य गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक सामग्री तक पहुंच के अवसर प्रदान करना, समझकर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया एवं संस्कृति को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को कुशल पाठक बनने और जीवन पर्यंत सीखने हेतु प्रेरित करना। एकलव्य जो लंबे अरसे से बच्चों के साहित्य का प्रकाशन करना, पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का काम करता रहा है मध्य प्रदेश में, उन्होंने उनकी टीम से सदस्य भी भेजे हैं। और एक और साथी संस्था है भोपाल में ही, एक तारा मेरे पुराने साथी एकलव्य से जो उसमें जुड़े वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने विशेषकर हिंदी बाल साहित्य में हमें बहुत उत्साह मिला है एसटी पारिक फाउंडेशन से। सब जानते होंगे एचडीएफसी के फाउंडर थे और दीपक पारिक जी जो अब एचडीएफसी के प्रमुख बने हैं बहुत वर्षों से, तब मिलकर इस काम में मदद करेंगे। सेंटर फॉर माइक्रोफाइन टाटा ट्रस्ट का एक उपक्रम है और काफ़ी उनका काम है राजस्थान के। और भी डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जी की नज़रों के आगे तो मैं इसकी शुरुआत करने के लिए जीवन साथ के हमारे प्रदर्शनी की शुरुआत करने के लिए कुमार है। मैं विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केंद्र का इंचार्ज हूँ। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग कार्यक्रम के तहत ये बाल पुस्तक महोत्सव, उदयपुर बाल पुस्तक महोत्सव एक महीने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यहाँ 10वीं तक के बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए ढेर सारे साहित्य, साइंस, मैथ, TLM और साइंस किट, मैथ किट, इस तरह की सामग्री इस प्रदर्शनी में उपलब्ध है। ये प्रदर्शनी मुख्य रूप से इस बात पर फोकस है कि समझ के साथ पढ़ना सीखने में कैसे बच्चों को वो संसाधन उपलब्ध हो और कैसे उन बच्चों की तैयारी हो कि वो पढ़ना सीखने में दक्ष हो सके और एक कुशल पाठक बन सके।
एंट्रीज। ये प्रदर्शनी जो है 31 जनवरी तक चलेगी, आज 3 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक कोई भी शहर का गार्जियन अपने बच्चों के साथ बच्चे यहाँ आ सकते हैं। ये 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, कोई एंट्री फी नहीं है, आकर के यहाँ देख सकते हैं, किताबें ले सकते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हमने खुद व्यवस्था की है इस कार्यक्रम के तहत कि हम हर रोज़ एक या दो स्कूलों के बच्चों को यहाँ ले आएंगे, उनके लिए हम कुछ किताबें उनकी लाइब्रेरी के लिए उनके स्कूलों के लिए देंगे, और साथ ही साथ भाषा सीखने पर, गणित सीखने पर, मैथ सीखने पर और कुछ गेम की गतिविधियाँ उन बच्चों के साथ रोज़ होंगी।